लाइक यू कैन सी द सिचुएशन हियर, मैं अपने बेड पे आराम से बैठी हुई हूँ बिकॉज इट्स रियली अ लॉन्ग वीडियो. सो ग्रैब योर सेल्फ अ कॉफी, वाटर, स्नैक्स, वट एवर यू लाइक. लाइक प्लीज बी कोजी कंफर्टेबल सिचुएशन बिकॉज दिस वीडियो इज हेला लॉन्ग बिकॉज वी आर talking about my recent purchases, not only from Cult, from different places, Nykaa, Moody, Cult, then the Dermaco, बहुत सारी जगह से बहुत सारे सामान लिए बिकॉज पता नहीं क्यों रिसेंटली बहुत अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं, बाय वन गेट वन, 30% ऑफ, 50% ऑफ. सो आई वॉज लाइक, जिन प्रोडक्ट्स पे यूजली डिस्काउंट नहीं मिलते तो आई वॉज लाइक चलो यार स्किन केयर ही कर लेते हैं, पूरे साल का मार्च चल ही रहा है. सो मैंने सोचा कि मैं काफी सारे स्किन केयर खरीद लेती हूँ और मैंने खरीद लिया. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट. फर्स्टली लेट्स सिप सम वाटर. टॉक अबाउट रीपर्चेजेस. ओके, सो यू गाइज नो दैट कि मुझे ये वाला ट्रेसेमे का सीरम कितना ज़्यादा पसंद है. आई जस्ट लव इट, एंड मेक माई हेयर सुपर स्मूथ, सिल्की, सॉफ्ट, मतलब जो भी तुम्हें एक हेयर सीरम में चाहिए ना ये वो प्रोवाइड करता है. सो आई बॉट अनदर बटर. डेफिनेटली आई एम इन लव विद दिस सीरम एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड यू, इट्स अ वेरी गुड सीरम. हीट प्रोटेक्ट भी करता है एंड आपके बालों को सिल्की, सॉफ्ट, स्मूथ बना देता है, जो भी आपको चाहिए. एंड इट्स वेरी अफोर्डेबल टू, एंड मिंत्रा पे हमेशा सेल लगी रहती है. एंड सो मैंने वहीं से लिया है अंडर 400 रुपीज. अगर आपको एक अच्छा सीरम चाहिए सो कंसीडर दिस वन. लेट्स टॉक अबाउट अनदर रिपर्चेज. आई एम्प्टीड इट, लाइक लुक एट दैट, बस इतना सा बचा है. एंड आई बाय अनदर वन, यस. एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड बिकॉज ये वाला जाने वाला मेरी सिस्टर को थोड़ा सा बचा हुआ है. आई बॉट दिस वन, यस, सुपर डुपर एक्साइटेड. मैं ये वाला यूज करने वाली हूँ, ये वाला मैं अपनी बहन को देने वाली हूँ. इसके ऊपर मैं ऑलरेडी दो वीडियो बना चुकी हूँ तो ज़्यादा बात नहीं करते. बस मैंने ये रीपर्चेज कर लिया है एंड मैं और भी काफ़ी सारी बोटल रीपर्चेज करने वाली हूँ. कल्ट पे था नहीं, अगर वहाँ से आया तो 50% ऑफ पे एक बोटल और लेके रख लूँगी, बट अभी ये मैंने नायका से लिया है. सो मैंने अपनी बहन के में थोड़ा सा और डाल दिया है. देन आई बॉट दिस शीट मास्क एंड यू गाइज नो दैट हाउ मच आई लव दिस रेंज फ्रॉम L'Oreal Paris. मुझे इनका एसेंस इन जनरल बहुत ज्यादा पसंद है तो मैंने ये शीट मास्क भी लिया है, बट ये भी मेरी सिस्टर को जाने वाला है. सो या आई वांट अ गिफ्ट हर. उसने यूज नहीं करा तो वो यूज करके देखेगी, माइट बी शी लव्ड इट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैंने डर्माको से क्या क्या लिया है. सो डर्माको ने निकाले हैं 96% स्नेल म्यूसम. देखो मैंने अभी तक यूज नहीं करा, अभी आप लोगों के सामने टेस्ट करूंगी. सो ये थोड़ा एडवांस वाले की तरह है. कोसारेक्स स्नेल म्यूसम का जो एडवांस वर्जन आता है ये उसकी तरह है बिकॉज इसके अंदर है 2% नायसिनमाइड एंड 2% पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स. देखो मैं इंडियन ब्रांड पे ज्यादा बिलीव नहीं करती बिकॉज स्नेल म्यूसम में तो मैं बिल्कुल नहीं करती बिकॉज इंडिया में स्नेल म्यूसन बनाना ही बहुत बड़ी बात है. बट आई डोंट नो उन्होंने फॉर्मूला कहाँ से ग्रैब किया है या फिर कहाँ से मैन्युफैक्चर है. आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया, यूज करके भी देखा नहीं है. बट इन जर्नल डर्माको के जो सीरम्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं. सो इसका फॉर्मूला दिखता है कुछ इस तरीके का. नाउ लेट्स सी द फॉर्मूला, ये कितना ज्यादा ओके. इट्स अ लाइट वेट काइंड ऑफ अ फॉर्मूला, इतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो रहा. लाइक लुक एट दैट, नहीं हो रहा. बट लेट्स अप्लाई ऑन अ हैंड एंड सी द हाइड्रेशन. सो मैंने हाथ पे अप्लाई कर लिया है, काफ़ी लाइट वेट है एंड बिल्कुल भी हैवी फील नहीं हो रहा है, ना कोई चिपचिप फील हो रही है. इट्स लाइक अ वाटर एंड आई लाइक डिट. हाँ बट इनके ये ना किसी अदर सीरम की तरह है. आई एम बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट लाइक कोसारेक्स स्नेल म्यूसम. दैट फॉर्मूला इज अ टोटल डिफरेंट, नॉट दैट स्ट्रेची बट दिस वन. बट लेट मी टेल यू, इफ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन एंड यू वॉन्ट समथिंग वेरी स्मूदिंग एंड सटल, एंड या फिर आपकी स्किन इरिटेट हो जाती है स्नेल म्यूसम को यूज करके, आप डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हो बिकॉज दिस वन हैज 2% नायसिनमाइड एंड पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स. सो इट्स मेक योर स्किन सूदिंग, कामिंग एंड एट द सेम टाइम वेरी सपल, सॉफ्ट एंड काइंड ऑफ प्रोवाइड यू रिलीफ इन योर एक्ने. बट एट द सेम टाइम हर किसी को ये सूट नहीं करता है, तो अगर आप लोगों को सूट नहीं करता है, इंडियन ब्रांड ने भी निकाला है तो आप ट्राई कर सकते हो. वेल काफी सारी ब्रांड है जो स्नेल म्यूसम निकाल रही है, मैंने ट्राई नहीं करा बिकॉज मुझे कोसारेक्स काफी अच्छा सूट किया है. देन माई फेवरेट
फेस वॉश, द डर्माकोर 2% नाइसिनमाइड फेस वॉश, आई जस्ट लव दिस. इसके साथ मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं एंड आई हैव टू टेल यू, अगर आपको एक अच्छे जेंटल फेस वॉश लेना है तो डेफिनेटली आपको डर्माकोर के फेस वॉश ट्राई करने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. एंड दिस पर्टिकुलर रेंज इज़ हैंड्स डाउन अमेजिंग, लाइक अमेजिंग. अगर आपको सेटाफिल के फेस वॉश का ऑल्टरनेटिव वर्जन चाहिए या फिर चीपर वर्जन चाहिए, दिस इज़ वन फॉर यू. ओ माई गॉड, अभी तक मैंने कोई भी क्विंच के स्किन केयर यूज़ नहीं करा था, बट मैंने खरीदे ये दो प्रोडक्ट. एक तो उनका मिस्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. पैकेजिंग तो मैंने आप लोगों की वजह से रखी हुई है, बट ऑल दो मैंने सारे प्रोडक्ट ऑलमोस्ट ट्राई किए हुए हैं. सो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. इट्स अ लाइटर वर्जन ऑफ अ टोलीमोली सेरामाइड सेरामाइड टोनर. काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी अच्छे से स्प्रे होता है, स्किन को बहुत अच्छा ग्लो देता है एंड काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग भी है. आई लाइक इट एंड स्प्रे की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है. I loved it. I really loved it. And it's quite affordable too. मैंने उनका लिया था ये मून चेरी ओवर नाइट पीलिंग मास्क एंड मैं इसे यूज कर रही हूँ. एंड ब्रो द फॉर्मूला इज बहुत ही यूनिक, लाइक फॉर्मूला इज लाइक टोटली यूनिक. आई नेवर सी समथिंग लाइक दिस. इट्स लाइक अ फैबिकोल कंसिस्टेंसी फॉर्मूला एंड लुक एट दैट. ओ माई गॉड. ओके 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 लुक एट दैट हाउ मच आई फिनिश्ड इट. लिटरली से हाफ तो नहीं किया है, बट ये मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है. मैं इसका रिव्यू देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ. अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे तो कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है. बिल्कुल फैबिकोल टाइप की कंसिस्टेंसी है. जैसे ही आपको अप्लाई करोगे, आपको स्किन में मसाज नहीं करना, बस आपको ऐसे ले डाउन करना है एंड छोड़ देना ओवरनाइट के लिए. यह आपकी स्किन से डेड स्किन निकालता है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ, सपल, सॉफ्ट बनाता है. लगाने के बाद में हल्का सा चिपचिप लगता है, लाइक यू वेयरिंग समथिंग, लाइक यू वेयरिंग अ मास्क वाली फीलिंग आती है. बिकॉज इसे मसाज नहीं करना, ये खुद आपकी स्किन अब्जॉर्ब होगा एंड आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड ग्लोई ड्यूई बनाएगा. एंड मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ, मैं इसे 7 दिन से तो ज़्यादा ही यूज़ कर रही हूँ. लाइक मैं इसे काफ़ी अच्छे से यूज़ कर चुकी हूँ. आई जेन्युइनली लाइक इट. मतलब मुझे बहुत कम मास्क होते हैं जो मुझे पसंद आते हैं, बट आई जेन्युइनली लाइक इट. बट आई डोंट लाइक द फैबिकोल फीलिंग जो मेरे चेहरे पे रह जाती है एंड सुबह उठने के बाद में मुझे फेस वॉश करना ही पड़ता है. एंड जब आप इसे निकालोगे ना तो ये डेडी स्किन की तरह निकलता है. वेल ओवरऑल आई लाइक इट. सॉफ्ट कर देता है आपकी स्किन को एंड मेरे चेहरे पे डेडी स्किन बहुत ज़्यादा होती भी है एंड मेरा स्किन इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा ग्लोई लगती है जब मैं सुबह उठती हूँ. मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया. डेफिनेटली आप लोगों को जरूर ट्राई करना चाहिए. यू सी दैट, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट, एम्बरलाइंस. मैंने इसका ये मिस सेला वाटर लिया था, मैंने ट्राई करा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. मेरे मेकअप को एकदम मेल्ट डाउन कर देता है एंड बहुत ही अच्छे से मेरी स्किन को क्लीन कर देता है. अगर आपको एक अच्छा मिस सेला वाटर चाहिए, डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो. एंड आपको लोगों को पता ही होगा इनका मॉइस्चराइजर बहुत ही ज़्यादा फेमस है आउट ऑफ इंडिया. आपने कितना ही हार्ड मेकअप पहना हुआ हो, चाहे आपने कितना ही लाइक कितनी बोल्ड लिपस्टिक पहनी हुई हो, कोई ऐसा कलर पहना हुआ लाइक ए पर्पल टाइप ऑफ लिक्विड लिपस्टिक पहनी हुई हो, ये उसे भी एकदम इजीली रिमूव कर देगा. लाइक इसके लिए वाटरप्रूफ मेकअप भी कुछ नहीं, बिल्कुल वाटरप्रूफ मेकअप को भी ऐसे पानी की तरह रिमूव कर देता है. लाइक बहुत ही ज्यादा अच्छा है. आई जेन्युइनली लाइक दैट. टू फाइंड हैप्पी प्लेस करके जो ब्रांड है, मैंने आज तक उसका बॉडी केयर ट्राई नहीं करा था, तो मैंने लिया ये प्रोडक्ट उनका. मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा. ये है पूल साइड रिफ्रेशिंग बॉडी जेली विद विटामिन सी. इस तरीके की वेरी जॉइंट टब, लाइक यू कैन सी इट्स अ जेली काइंड ऑफ फॉर्मूला. आई लाइक इट. काफी अच्छी फ्रेग्रेंस है, बट ये इतना ज्यादा हाइड्रेटिंग नहीं है. मैं काफी ज्यादा यूज कर चुकी हूँ इसे. एंड या उन दिन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जब हमें कुछ भी हर चीज़ चिपचिपी लगती है, बट ये इतनी ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड नहीं करता. बट इसके अंदर पाइन एप्पल की फ्रेग्रेंस बहुत ओवर पावरिंग है. मतलब बिल्कुल स्ट्रेट पाइन एप्पल स्मेल करता है. ये फॉर्मूला दिखता है इसका कुछ इस तरीके का. वेल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. मैं इसे काफ़ी यूज़ भी कर रही हूँ, बट इतना ज़्यादा हाइड्रेटिंग नहीं है, विच आई रियली डोंट लाइक. बट जेली टेक्स्चर है तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते. बट या ओवरऑल अ डिसेंट प्रोडक्ट, बट आई एम नॉट गोना बाय दिस अगेन. लाइक मैं इसे रीपर्चेज नहीं करूँ. लेट्स टॉक अबाउट अर्थ रिदम क्लेंजिंग बाम. मुझे पर्सनली लाइक आई टोल्ड यू इन माई एम्प्टीज, आई रियली डोंट लाइक अर्थ रिदम क्लेंजिंग बाम फॉर्मूला बिकॉज इट्स नॉट गुड. इट्स लंपी एंड नॉट डिजोल्विंग, लाइक
डिस्कस्टिंग, बट मैंने उन्हें दोबारा चांस दिया एंड आई बॉट दिस वन। दिस है, मैंने अभी तक यूज नहीं करा है एंड इसे आप रिफिल कर सकते हो, लाइक यहाँ से आप इसे निकाल सकते हो एंड रिफिल कर सकते हो, विच अ क्वाइट प्रैक्टिकल पैकेजिंग दो, आई रियली लाइक इट। रिसाइकलेबल पैकेजिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड अभी तक मैंने यूज़ नहीं करा, बट आई लाइक द पैकेजिंग, एवरी थिंग वॉज गुड। ट्राई करेंगे तो पता लगेगा, बट मैंने उन्हें दोबारा चांस दिया है, लेट्स सी व्हाट हैपन। आई होप उन्होंने अपने फॉर्मूले पर वर्क किया हो एंड ये कुछ अच्छा प्रोडक्ट हो। ये आपने मेरे मैक्रोन वाले पैकेज में देखा होगा, मैंने ये ट्राई करा है, मुझे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये है इनिसफ्री का ग्रीन टी सीड हेलोरोनिक एसिड सीरम। आई जेन्युइनली लाइक इट एंड मेक माई स्किन सुपर प्लम सॉफ्ट एंड वेरी लाइक नॉट लाइक अ ब्राइट इन अ वे, बट वेरी ग्लोई एट द सेम टाइम एंड जेन्युइनली आई रियली लव्ड इट एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे और यूज़ करने के लिए। मैं यू कैन सी मैं अभी रिसेंटली इसे ही यूज़ कर रही हूँ and you can see my skin and you see that it make my skin so glowy and the formula is really amazing, like bahut hi zyada acha formula hai। formula is tarike ka transparent hai and jaise hi aap ise lagaoge it make your skin super glowy, super soft and really hydrating at the same time। आई रियली लाइक द पैकेजिंग, मुझे लगता है मुझे समर्स में ना बहुत ज़्यादा अच्छे से जाएगा, बिकॉज ना तो ये ज़्यादा ओवर हाइड्रेटिंग है और ना ज़्यादा अंडर हाइड्रेटिंग है, लाइक एकदम परफेक्ट बैलेंस होता है ना, इज दैट वन, लाइक लव्ड इट। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज आई बॉट टू बॉडी लोशन विद सेंट आइव्स एंड ये इनकी लेमन रेंज है जो हेलोरोनिक एसिड के साथ आती है एंड ये आपको मिंत्रा पर आराम से मिल जाएंगे एंड डिस्काउंट पर भी मिल जाएंगे। सो ये है हाइड्रेटिंग विटामिन ई एंड एवोकाडो बॉडी लोशन एंड इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की दिखती है। ओ माई गॉड, ओवरफ्लो रहा है। सो ये इस तरीके का काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग है एंड मैंने ये यूज़ करा है, हाइड्रेटिंग है, लाइट वेट है एंड फ्रेग्रेंस इज डाइफोल, लाइक अ वेरी लाइट लेमनी सिट्रिक्सी स्मेल एंड आई रियली लाइक इट, लाइक आई रियली लाइक इट। जेन्युइनली मुझे ना बॉडी लोशन पता नहीं कि कुछ अच्छा मिल ही नहीं रहा है, बट दिस वन इज डिसेंट, लाइक अ डिसेंट गुड वन, आई जेन्युइनली लाइक इट एंड मैंने इसी वजह से ये मे बी 94 रुपीज़ का था समथिंग कुछ डिस्काउंट पे। इसका ओरिजिनल प्राइज़ है इसका 299, बट ये मैंने लिया है सिर्फ 99 रुपीज़ का, 99 रुपीज़ और 84 रुपीज़ समथिंग कुछ ऐसा। और ऐसे ऑफर्स के लिए प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बिकॉज जब भी इस तरीके के ऑफर्स आते हैं मैं तुरंत के तुरंत अपनी स्टोरी पे लगा देती हूँ एंड आप लोगों को जब भी स्टोरी की नोटिफिकेशन मिलती है आप लोग बाय कर लेते हो एंड बहुत लोग जेन्युइनली बाय करते हैं, बाद में मुझे बोलते भी हैं कि हमें ऐसा ऑफर नहीं मिलता अगर आप नहीं बताती तो, मैं चेक ही नहीं करती। सो या एंड इस तरीके की सेल मिड नाइट सेल मिंत्रा पे चलती रहती है, जहाँ पे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, तो ये दोनों मैंने लिए थे उसी से एंड आई लाइक्ड इट एंड इसकी क्वांटिटी है 200 ml। लास्ट प्रोडक्ट इज मूडी। यस, अगर आप लोगों को नहीं पता मैंने अपनी स्टोरी पे भी डाला था, नाउ अगेन गाइस अगेन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर ऑफर अपडेट्स। ओके, सो मूडी पे सेल लगी हुई थी लाइक 699 के 3 प्रोडक्ट्स, सो आई गॉट माई सेल्फ अ 3 प्रोडक्ट्स। सो सबसे पहले मैंने उनके लिए ये वाली 7D हाइड्रो बूस्ट 100 hour जेल मॉइस्चराइजर विद हेलोरोनिक एसिड एंड कोकोनट वाटर। सो मुझे ये पता था ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज मैंने किसी का रिव्यू सुना था कि बिलीफ के ट्रू बूस्ट क्रीम की तरह है। सो आई जस्ट थॉट आई शुड नॉट बाय टू एंड उस टाइम पे था कि आप एक प्रोडक्ट को 2 बार डाल सकते हो। मैंने ये यूज़ करा, आई लाइक इट, इट्स सेम लाइक बिलीफ की ट्रू क्रीम की तरह, जेन्युइनली इट्स सेम फॉर्मूला, एवरी थिंग वो सेम। मैंने ओपन नहीं करा था, लेट मी ओपन दिस वन एंड एवरी थिंग वो सेम, सुपर लाइट वेट, वेरी हाइड्रेटिंग, लाइक ओ माई गॉड, आई वॉज लाइक ब्रो मुझे लगता है ये बिलीफ ही है। मुझे एक मोमेंट में यही लगा कि बिलीफ ही मैं यूज़ कर रही हूँ। जनरली पैकेजिंग लुक्स बिट चीपर बट ठीक है, फॉर्मूला इज रियली अमेजिंग दो, ठीक है। ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। नाउ यू ओपन दिस वन एंड यू सी दैट इट्स लाइक अ जेल टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी, लाइक अ न्यूट्रीजीना वन एंड इसे जैसे ही आप खोलोगे इसके अंदर से हल्की सी वोटरी एक्वा टाइप ऑफ अ फ्रेग्रेंस आती है, विच इज रियली गुड। बी अप्लाई ऑन माई फेस। ओके, सर
My skin is already glowing. I don't know why, but let me apply this. It's just so good. Really hydrating. Super soothing though. ठीक है, मुझे ये जनरली बिलीव की तरह ही लगा. बस फर्क इतना है कि ये अफोर्डेबल है एंड इसके बारे में पता नहीं क्यों लोग बात नहीं कर रहे. सिमिलर लाइक दैट, ये सीधा हाइड्रेशन. डीप हाइड्रेशन, वेरी लाइट वेट, बेस्ट फॉर समर्स. मुझे नहीं लगता विंटर में मुझे इतना अच्छे से हाइड्रेट कर पाएगा, बट समर्स में बहुत अच्छे से. एंड लाइक इट्स अ जेल फॉर्मूला, ये पील ऑफ भी नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. एंड आई बॉट टू फॉर माई सेल्फ एंड आई एम सुपर डुपर हैप्पी. मुझे लगता है मुझे समर्स में अब किसी मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है. टॉक अबाउट देयर SPF, मैंने आज तक यूज नहीं करा, बट आई हर्ड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट दिस SPF. आई कैचिंग तो इनकी पैकेजिंग ही है, बिकॉज लाइक यू कैन सी इट्स अ वेरी बीची समरी वाइब. एंड पैकेजिंग इज डेफिनेटली सो क्यूट, लाइक ए सुपर क्यूट. एंड इसके अंदर अगर आप लाइटिंग से देखोगे ना, आई डोंट नो हाउ शो यू, बट इसमें सिर्फ इतना सा ही प्रोडक्ट है. एंड सो 50 ml of a प्रोडक्ट. एंड इस तरीके से रोटेट करेंगे इसे, तो इसके अंदर निकलती है नोजल पैकेजिंग. ओके, नोजल पैकेजिंग. एंड आई हैव नॉट यूज दिस येट, बट मैं डेफिनेटली जब यूज करूंगी आप लोगों को रिव्यू दूंगी. एंड इट्स अ हेलुरोनिक एसिड, सेम लाइक अ सेम वन. सो या अच्छा हुआ मैंने अपनी वैनिटी ओपन कर दी. तो मैंने ऑर्डिनरी का ना ये क्या बोलते हैं वेम्पायर मास्क ले लिया था. आई एंड अप नॉट लाइकिंग इट. इफ यू सी दैट मैंने इतना यूज कर लिया है, सो बेसी बात है मैंने 3 से 4 बार यूज कर लिया. गाइस, इट्स नॉट समथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. मुझे लगता है हमारे इंडिया में इसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव. अगर मैं इसके ऑल्टरनेटिव बताने बैठू ना आप लोगों को, सारे ऑल्टरनेटिव है, इससे बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव है. या इट डू दिस, ओके आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये अपना काम नहीं कर रहा. ओके, इट डज द जॉब वेरी ब्यूटिफुली सीमलेसली. बट जितनी हाइप थी मुझे ही अपनी जिंदगी में चाहिए एज ए इंडियन सिटीजन, नहीं. अगर मैं इसे नहीं भी लेती, लाइक मैं उन लोगों के लिए सोच रही हूँ जिन लोगों ने ये कस्टम वगैरह दे के मंगाया एंड दे एंड अप पुटिंग देयर मनी इन कस्टम इन प्रोडक्ट. एंड इट्स जस्ट अ सिंपल प्रोडक्ट, लिटरली जस्ट अ सिंपल प्रोडक्ट. मेरे बाथरूम रैक में इसके ऑल्टरनेटिव जो रखे हैं वो डर्माको का रखा हुआ है एंड देन मिनिमलिस्ट का बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट इट एंड अप मेकिंग योर स्किन वाइट वेरी पेल. बट इसका मैं बेस्ट ऑल्टरनेटिव अगर बताऊं तो मैं आपको बताऊंगी इनिसफ्री का वाइन पिलिंग सॉल्यूशन इज द बेस्ट. अगर आप मेरी रिकमेंडेशन से वो प्रोडक्ट लेते हो, इज द बेस्ट प्रोडक्ट. यू कैन यूज इट लाइक अ टोनर एंड एज अ मास्क, एज अ केमिकल पील एंड स्क्रबर, हर तरीके से यूज कर सकते हो. एंड मेक योर स्किन सुपर सॉफ्ट स्मूद क्लियर. एंड जितने भी फेस पे कंसर्न्स है ना, हाइपर पिगमेंटेशन जैसे जितने भी कंसर्न्स है, सब पे वर्क करेगा. सो आई एंड अप नॉट लाइकिंग इट, ट्रस्ट मी आई एंड अप नॉट लाइकिंग इट, बिकॉज आई थिंक कि जितने का ये मैंने लिया है 600 rupees का. इससे बड़ी बोतल मैं डर्माको की ले लूंगी, ट्रस्ट में. मुझे क्वांटिटी वगैरह मतलब मुझे सच में ये लगा कि इट्स जस्ट अ ओवर हाइप प्रोडक्ट, डेफिनेटली ओवर हाइप प्रोडक्ट. अगर आपने अभी तक कोई पीलिंग सॉल्यूशन यूज नहीं करा है, माइटी ये आपके स्किन को इरिटेट कर दे, बट मैंने यूज करा हुआ है तो मुझे ज्यादा टिंगलिंग सेंसेशन भी फील नहीं हो रही थी. एंड या इट्स जस्ट अ नॉर्मल प्रोडक्ट. लाइक अगर आप केमिकल पील में हो, यू नो ऑल द ऑल्टरनेटिव्स डेफिनेटली फॉर श्योर. सो आई डोंट नो आप लोग मेरी बात से अग्री करोगे या नहीं, बट या आई डोंट लाइक दिस प्रोडक्ट. इट फॉर अ ह्यूज होल एंड आई होप यू लाइक इट गाइज. इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो. एंड इस तरीके के चैटी मेकअप हॉल, मेकअप रिव्यूज, स्किन केयर रिव्यूज के लिए डू सब्सक्राइब गाइज एंड डू लाइक एंड डू कमेंट. एंड जितने भी प्रोडक्ट है सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड या इट्स अ ह्यूज हॉल, बट मैं सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. एंड अगर किसी का भी प्राइस फ्लक्चुएशन होती है, सो इट जस्ट बिकॉज सेल में लिए थे और अब सेल में नहीं है. सो या दैट्स इट. बट हाँ, थोड़ा आई रखो प्रोडक्ट्स पे, सो डेफिनेटली आप लोगों को भी सेल में मिल जाएंगे. सर, बाय, टेक केयर.